हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियो आसानी आपको मिल सके। अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहनों और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाजिम सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियो बआसानी आपको मिल सके। आज जो मैं आपको अमल बताने लगी हूँ, अगर ये आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो यकीन माने रिस्क, इज़्ज़त, शोहरत, रहमतें और बरकतें आपके घर में इस कदर होंगी कि आपकी सोच है। फरिश्ते आपके लिए दुआएं करेंगे, फरिश्ते गिड़गिड़ा कर आपके लिए दुआ करेंगे कि या अल्लाह इनके घर में रिस्क की रहमत अता फरमा। आज जो अमल ख़ास है उसका तरीका आप गौर से सुन लें। सबसे पहले आप तरीका सुने, फिर इसकी डिटेल में आपको समझा दूंगी। आपने गोश्त जब आप घर में लाते हैं तो आप जब बकरे का गोश्त, याद रखें बकरे का, ठीक है, बकरे का गोश्त अगर देखें, आप कुर्बानी के दिन आ रहे हैं, ठीक है, जिन जिन के घर कुर्बानी है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मुबारक करें, तो जिनके घर कुर्बानी नहीं हो रही तो वो अपने किसी प्यारे के पास से जाकर तो बकरे के जो है हड्डी कोई सी भी ले आए जिसके अंदर सुराख हो, जिसके अंदर मीख वाली जैसी हड्डी होती है ना, तो उसके अंदर सुराख होते हैं ना, वो वाली हड्डी आप लें, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। जो नक्श मैं आपको सेंड कर रही हूँ स्क्रीन पर, आप वो नक्श मुझसे भी ले सकते हैं, अगर मुझसे नहीं ले सकते तो ख़ुद अपने हाथ से लिख लें कागज़ के ऊपर, उसकी फ़ोटोकॉपी भी बेशक करवा लें। आप जितनी मुझसे मदद हासिल करना चाहते हैं, आपकी बहन हाजिर है, इंशाल्लाह मैं आपको समझा भी दूंगी अगर कोई गलती रह गई होगी, और आपको तरीका भी जो है वो भी बता दूंगी और नक्श भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। आप रब्ता भी कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में आके आप बात करें, आपको जो है इंशाल्लाह ज़रूर उसका जवाब दिया जाता है। तो आपने क्या करना है कि जैसे हड्डी जो सी बकरे की आपने हड्डी कोई सी भी ले लें, उसके अंदर उस नक्श को बस रखना है, उसके अंदर रिस्क का जो नक्श है वो आपने रखना है जो स्क्रीन पे चल रहा है, और जिस तरह बताया जा रहा है बिल्कुल वैसे ही आप करेंगे, हड्डी के अंदर नक्श को रख देंगे। अच्छा, अब रख जब आपने नक्श को रख दिया हड्डी के अंदर, तो आपने 3 दिन एक ख़ास जो है टाइम है वो है सुबह 10 बजे का, 3 दिन सुबह 10 बजे का, दिन कौन सा है, जुमेरात का, जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इन 3 दिनों में आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ईशा की नमाज के बाद आपने उस नक्श को और उस हड्डी को, जो आप हड्डी लेंगे जिसके अंदर आपने नक्श रखा होगा, आप एक बात याद रखें, हड्डी को बिल्कुल वॉश कर लें अच्छे तरीके से, ठीक है, वॉश कर लें। वॉश करने के बाद उस हड्डी को आपने नक्श रख के अर्क़ गुलाब के अंदर आपने उसको डिप करके, बोतल में कोई सी भी बोतल ले लें, नेस्ले की ले लें, कोई भी खाली बोतल लें, उसके अंदर हड्डी जो आपने उसके सुराख वाली जगह है उसमें रखी, जो नक्श है उसके अंदर रख के, तो आपने अर्के गुलाब में छोड़ देना है। आप यकीन माने कि जब तक ये हड्डी और नक्श उसमें पानी में रहेगा अर्के गुलाब में, और इतना रिस्क आएगा आपकी सोच है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जब आप अर्के गुलाब में इसको आप डिप कर लें, आपने जब अमल करना है तो 10 बजे आपने तैयारी करनी है, और 3 दिन पढ़ाई क्या करनी है, या हयू या कयूम, या हयू या कयूम पढ़ना कितनी दफ़ा है, 300 मरतबा पढ़ना, कितनी मरतबा है, 300 मरतबा या हयू या कयूम पढ़कर आपने हड्डी पर, नक्श पर जो हड्डी आपने ली थी उसके अंदर नक्श आपने रखा, उसके ऊपर आपने दुआ करनी है या हयू या कयूम, ठीक है। तो या हयू या कयूम पढ़ पढ़ के आपने ना सिर्फ जो है 300 मरतबा पढ़ने के बाद आपने उसको किसी ऊंची जगह पे रख देना है। अब आप दिल चाहे तो सुबह को उठकर उस बरकत वाले पानी का आप छिड़काव कर सकते हैं। पता है हड्डी का तल, मैंने बकरी की क्यों कहा है आपको, वो इसलिए कहा है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की दी, तो अल्लाह पाक ने बकरे के गोश्त को ही मुनासिब समझा, यानी दुम्बे का गोश्त आया था, तो फिर इसलिए उनका सदका दुम्बे के गोश्त से उतारा गया था, ठीक है। तो इसमें जो हड्डी का है वो बकरे की ही लगेगी, ना मुर्गी की ना किसी और जानवर की, ठीक है। तो आप वही हड्डी इस्तेमाल करें, हड्डी जो उनसी है कोशिश करें कि वह बकरे की जो बाजू होती है ना, ठीक है, तो उस हिस्से की हो, तो क्योंकि नक्श आपने इस्तेमाल करना है तो फिर टांगों की ना हो, ठीक है, बाजू वाले हिस्से की हो, तो आप ये बात, इस बात को भी थोड़ा सा समझिएगा।
इसके साथ जैसे जैसे स्क्रीन पे आपको समझाया जाए वैसे ही आपने करना है। या हयू या क्यों पढ़ते पढ़ते आपने दम करते रहना है। 3 दिन आप पढ़ाई करेंगे सुबह 10 बजे के टाइम, और वो अपने घर में पानी का जो है छिड़काव कर सकते हैं 21 दिन तक। और 21 दिन में आपको वाजिया अपनी आँखों से पता लग जाएगा कि कितना आपके घर में रिस्क की रहमतें और बरकतें हुई हैं। और नक्श जौन सा है आप स्क्रीन से भी ले सकते हैं। वैसे मैं अगर आप मुझसे रابطہ करते हैं तो मैं आपको खुद भी सेंड कर दूँगी। इसी के साथ ये नायाब अमल आप एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा, जिसके ऊपर कर्ज भी हो, जिसके घर में लड़ाई झगड़ा हो, जिसके घर में बहुत ज़्यादा इस किस्म के मसाइल हों, रिस्क की तंगी हो, कोई इज़्ज़त ना करता हो या बाहर कोई इज़्ज़त ना हो, तो वो ये अमल एक दफ़ा ज़रूर करके देखें। अगर कोई कर्ज़ में डूबा हुआ है उसका कर्ज़ ख़त्म हो जाएगा। अगर कोई हाजत में है कि कोई बहुत बड़ी हाजत है उसकी हाजत पूरी नहीं होती, हाजत रवाई के लिए सिर्फ ये अमल करें। नियत जो भी रखेंगे इंशाल्लाह वही अल्हम्दुलिल्लाह अमल पूरा होगा। तो 3 दिन का अमल है, इंशाल्लाह 3 से 21 दिन के अंदर अंदर आप खुद देखेंगे कि रिस्क की कितनी अल्हम्दुलिल्लाह रेल पेल होती है, रिस्क कितना आपके पास आता है। ये एक तरीका है जो आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका जितना भी मसला है, अगर कोई बहुत बड़ा मसला है या कोई कारोबारी मसला है या किसी के पास आपने कोई जैसे ज़मीनों का मसला हो जाता है अक्सर लोगों को, यहाँ तक कि कोई खुदा न खासा किसी ऐसे मसले में जो है परेशान है कि कोई अल्लाह के सिवा और कोई आसरा उसको नज़र नहीं आता, तो ये वाला अमल ज़रूर करें। अपने घर में इसकी रहमतें और बरकतें फिर देखिएगा, फरिश्ते आपके लिए खुद दुआ करेंगे और इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। इसी के साथ इजाज़त दें अपनी बहन को, और साथ में अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो ज़रूर इंशाल्लाह आपकी भरपूर मदद की जाएगी। जज़ाकअल्लाह खैरा। अल्लाह।